हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्यूटी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है राधिका वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोग टाइटल में पढ़ चुके हैं कि हमें यानी कि मेरी फैमिली, मैं, रजनीश और राधिका, हम तीनों की COVID-19 टेस्टिंग के बारे में है ये। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि COVID-19 की टेस्टिंग सिर्फ उन लोगों की होती है जिनको वाकई में कोरोना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जिन लोगों को नहीं भी है या है, वो सारे लोग अभी इस कोरोना के जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें सबकी टेस्टिंग होनी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ये कहीं थर्ड स्टेज में तो नहीं आ चुका है, लाइक कम्युनिटी ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जैसा कि इंडिया में भी टेस्टिंग स्टार्ट है काफ़ी जगहों पे, उसी तरीके से यहाँ भी टेस्टिंग हमारी हुई है। तो मेरी, राधिका की और रजनीश की, हम तीनों के लिए एक मैसेज आया हम तीनों के लिए कि आप तीनों को COVID-19 की टेस्टिंग के लिए आना है। वो मैसेज मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ ताकि आप पढ़ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें मेंशन था कि अगर रजनीश चाहते तो मुझे और राधिका को छोड़कर जा सकते थे, वो खुद अकेले भी ये टेस्ट करवा सकते थे। बट मैंने कहा कि नहीं, अगर ऑप्शन है कि हमारी पूरी फैमिली जा सकती है तो हम तीनों ही जाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोग इस टेस्ट के लिए तैयार हुए, काफ़ी कंफ्यूज थी मैं, थोड़ी डरी हुई भी थी, बिकॉज सबके लिए डरना स्वाभाविक है इस कोरोना काल में इस तरीके का टेस्टिंग होना। लेकिन कॉन्फिडेंस भी था इस बात का कि चलो, हम काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, साथ में हम लोग यहाँ पे चूँकि मास्क लगाना कंपलसरी है तो रजनीश हमेशा कंपलसरी जो यहाँ पे नियम कानून लागू हुए हैं उसको फॉलो करते हैं। फिर भी हम सब इसके लिए तैयार थे कि चलो COVID-19 की टेस्टिंग के लिए हम लोग चलेंगे। तो आगे आइए और देखते हैं इस वीडियो में कि हम लोगों की COVID-19 की टेस्टिंग कैसे हुई, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और हमारे आगे जो गाड़ी लगी हुई है अभी उनका नंबर है, उनकी टेस्टिंग हो रही है पहले, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ रजनीश ड्राइव कर रहे हैं और रजनीश ने पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मास्क लगाया हुआ है इन्होंने और साथ में हमने ग्लव्स भी पहने हुए थे। और ये 8 नंबर जो स्टेशन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे हमारी टेस्टिंग होगी। तो अभी जितनी भी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये ड्राइव थ्रू टेस्टिंग है, दैट मीन्स कि आपको अपने गाड़ी में ही बैठे रहना है, आपको निकलना नहीं है और आपको गाड़ी में बैठे बैठे ही वो आकर आपकी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी आगे वाली गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। तो अभी थोड़ी देर में हमारी भी टेस्टिंग हो जाएगी और इन बिटवीन दैट मैं सोच रही हूँ कि इस खाली वक्त में क्या करूँ, तो मैं अपने से सेल्फी ले रही हूँ राधिका के साथ और खुश हूँ बिकॉज अब टेंशन लेने का कोई मौका नहीं है इसमें। थोड़ी देर में टेस्टिंग होने वाली है, मैं, राधिका और रजनीश, वी थ्री आर वेरी नॉर्मल बिकॉज टेस्ट तो होना ही है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रजनीश से जो सामने वाले पर्सन हैं वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप किस लोकेशन से आए हो, क्या आईडी नंबर है आपकी। मेरी, राधिका की और रजनीश तीनों की आईडीज उन्होंने पूछी, साथ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया कि किस तरह की टेस्टिंग के लिए आप आए हो। तो रजनीश ने बताया कि हमें मैसेज गया था, उसके थ्रू हम आए हैं, तो ये रैंडम टेस्टिंग है। और साथ में उनसे ये भी पूछा गया कि आप अगर चाहते हो तो आपके बच्चे की टेस्टिंग नहीं होगी। आगे आप देख सकते हो कि वो लोग टेस्टिंग करके जा चुके हैं आगे वाली गाड़ी की, तो उसमें जो भी पर्सन बैठे हुए थे उनकी टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे रजनीश की टेस्टिंग हो रही है और दिस इज़ वेरी पेनफुल एंड बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की है बिकॉज जब मेरी टेस्टिंग हो रही थी तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, बट देखो आप, यहाँ रजनीश की टेस्टिंग हो रही है और इनकी आँखों में इतने आंसू थे, मैं देख के परेशान हो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली और ये रही हमारी राधिका। तो इंट्रोड्यूस कर रही मैं इसको, काफ़ी छोटी थी जब न्यूबॉर्न थी तब हमने इसका जो वीडियो आपको पोस्ट किया था उसमें देखा था आपने इसको। अभी ये थोड़ा ना हाफ मंथ की हो गई है, तो इसके साथ भी हम गए थे लेकिन टेस्टिंग के टाइम में हमें ऑप्शन मिला कि, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि टेस्टिंग के टाइम में हमें ऑप्शन मिला कि रजनीश और मेरा हो सकता है, राधिका का नहीं होगा टेस्टिंग। तो हम दोनों काफ़ी खुश हुए इस बात से कि चलो, काफ़ी प्रॉब्लम में हो जाती है इसको,
हमने इसका टेस्ट नहीं करवाया है, और अगर जो भी रिजल्ट आता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे कि क्या रिजल्ट आया, और वो जो भी यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और राधिका सबको बोलो बाय, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी राधिका, और राधिका का चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। बाय।